लेटेस्ट कॉपी चाहिए, तो हम उसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। सो हम इसका आइकन ढूंढते कहाँ पर है। या दिस इज हियर, यू कैन सी, एंड दिस होम पेज बटन। होम पेज बटन फॉर एग्जांपल, हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, हमने एक चीज़ सर्च की, फिर दूसरी चीज़ सर्च करी, उसके ऊपर तीसरी चीज़ सर्च करी, अब हमें होम पे जाना है, अपने पहले पेज पे जाके काम करना है। सो वी विल गो टू होम बटन। सो बेटा, हियर इज वर्ल्ड वाइड वेब www. मैंने आपको कहा था मैं आगे जाके आपको www.com के बारे में समझाऊंगी। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वो वेबसाइट जो पूरी दुनिया में वसी है, फैली हुई है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैंने आपको बताया, हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो, अपनी डिज़ायर की, अपनी ख्वाहिश की, कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई जगह, कोई कंट्री, कोई रिवर, कुछ भी, कोई भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की। मैं देखना चाह रही हूँ कि इस वक्त भाई सऊदी अरेबिया में क्या न्यूज़ चल रही है, वहाँ पर क्या काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारा कोरोना वायरस है, मैं इसकी कोई डिटेल लेना चाहती हूँ किसी भी कंट्री में कि भाई कहाँ पर क्या हालात हैं, मैं फ़ौरन जाके गूगल से अपनी चीज़ हासिल कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ के क्या कहते हैं एड्रेस पे जाना है, तो सबसे पहले हमारे पास उसका एड्रेस मुकम्मल होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, उससे पहले हमें www लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा अम्मा फाउंडेशन स्कूल है, ठीक है, स्कूल का हमें एड्रेस होना पता होना लाजमी है, तो हम जाके अपने स्कूल, जैसे अगर मुझे अम्मा फाउंडेशन की डिटेल लेनी है कि यहाँ पर एडमिशन ओपन हैं या नहीं, अगर हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन करवाते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या हमें सबमिट करना है, हमें कैसा टेस्ट देना पड़ेगा, क्या उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो मैं वेबसाइट पर जाकर उसकी सारी डिटेल पढ़ सकती हूँ। फॉर उसके लिए मुझे सबसे पहले एड्रेस पता होना चाहिए, और फिर मैं उस वेबसाइट पर जाके ईजीली स्कूल के बारे में डिटेल ले सकती हूँ। मूविंग अराउंड द वर्ल्ड वाइड वेब, अब हम अपनी इस वेबसाइट की दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब बेटा, इस दुनिया में मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। अब कन्फ्यूजन ये कि कैसे सब कुछ इतना तरतीब के साथ चल रहा है, हमें कैसे हमारा काम मिल जाता है इजीली, कैसे एक लिंक प्रॉपर मिल जाती है। देखो, एक चीज़ में जाकर अगर नेट पे सर्च करती हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडलाइंस ऑफ जियो न्यूज़ अबाउट टुडे, सो आई विल गेट अलॉट्स ऑफ हैपर लिंक्स, मुझे बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी। अगर आपने कभी गूगल पे जाके कुछ सर्च किया होगा, ऑफकोर्स किया होगा कभी ना कभी, तो जब भी आप गूगल से ओपन करते हैं कोई चीज़ सर्च करते हैं, हमारे पास बहुत सी हाइपर लिंक्स आ जाएंगी। इसको एक तरतीब के साथ इसलिए रखा गया है कि भाई अगर मैंने एक चीज़ सर्च की हो, मैंने जुमला मुकम्मल नहीं किया सर्च करते वक्त, तो वो मुझे बहुत सारी लिंक्स दे देगा कि आप ये पूछना चाह रही हैं, क्या आप ये हासिल करना चाह रही हैं, वो हमें हेडिंग किसका, जैसे एक तरह से कह लो ऊपर हेडिंग लगी होती है, ऊपर हाइपर लिंक होती है, हम उसको ईजिली क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या हमें यही चीज़ चाहिए जो मैं मांग रही हूँ। अगर मैंने जुमला मुकम्मल नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल इतना लिख दिया जियो न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट टुडे, अब देखो हेडलाइंस दिन में 24 बार हर घंटे बाद एक हेडलाइंस आ रही होती है, ठीक है। सो अब उसको नहीं पता मैंने कौन से वाले टाइम की हेडलाइंस मांगी, दोपहर के 1 बजे की मांगी है, शाम के 6 बजे की हेडलाइंस मांगी, तो मुझे बहुत सी हाइपर लिंक्स देगा, मैं उस लिंक पर जाके अपनी मर्ज़ी की जो मुझे न्यूज़ चाहिए उस वक्त सुनना चाह रही हूँ, किस टाइम की हेडलाइंस जानना चाह रही हूँ, मैं ईज़िली वहाँ से जाके हासिल कर सकती हूँ। इसी तरह हम पूरी दुनिया में, इसी तरह बहुत सी जो लिंक्स है हमारे पास मौजूद होती है, हम एक एक करके काम खोल के अपना चेक कर सकते हैं। हमें हाइपर लिंक्स इसलिए दी जाती है, हर काम को सेपरेट रख के एक तरतीब दे के रखा गया है, ठीक है। एंड वी हैव ऑलमोस्ट डन आवर चैप्टर, नाउ वी विल गो टू एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन आंसर।